गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आप लोगों के लिए सबसे अच्छी न्यूज़ तो ये हो गई कि कम से कम आप लोगों को सभी को प्रमोट कर दिया गया है। ये सुबह आज अमर उजाला जो न्यूज़ है उसमें फ्रंट पेज पर ही है, आप लोग देख सकते हैं। जिसके घर में न्यूज़पेपर आ रहा हो, दैट इज़ द ऑथेंटिक न्यूज़। जो मेरे इस चैनल का, वही मैंने बार बार कहा कि विदाउट ऑथेंटिक न्यूज़ मैं कोई चीज़ बताता नहीं दूंगा। अब ये प्रश्न उठ रहा है और कई स्टूडेंट इस बारे में सोच भी रहे होंगे कि अब मार्क्स मुझे कैसे मिलेंगे। तो इस बारे में जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है कि जो भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय, यानी जिस विश्वविद्यालय से आपका कॉलेज लिंक्ड है, वो दोनों लोग मिलके शेयर करेंगे मार्क्स को। हो सकता है 70% यूनिवर्सिटी दे और 30% आपको कॉलेज दे, या जो भी होगा। ऐसे ही डीएलएड में भी संभावना है। तो इस संबंध में जो भी निर्णय होगा वो 2 से 4 दिन के लिए समय मांगा गया है। जो आदरणीय दिनेश शर्मा जी हैं, उन्होंने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों से या संबद्ध शिक्षाविदों से कहा है कि अपनी राय दें कि इस संबंध में आप छात्रों को किस प्रकार उनका मूल्यांकन करके उनको मार्क्स देंगे। उसके लिए कमेटी भी बना दी गई है। 2-3 दिन में उसका भी निर्णय आ जाएगा कि आपको जो मार्क्स मिलेंगे, मतलब आप जब लोग प्रमोट किए जाओगे तो वो मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, क्योंकि पास तो सबको कर दिया जाएगा। और जो बच्चों के बैक लगे हैं विगत वर्षों में, जैसे जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं जिनके बैक लगे हैं, तो उनके वो बैक, तो जिन स्टूडेंटों के सेमेस्टर बैक लगा है जैसे डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके बैक के पेपर जो हैं वो जब आगे कभी एग्जामिनेशन होंगे तो वो बैक पेपर कराए जाएंगे, लेकिन उनको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसी संभावना है। तो अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही बस लेटर आएगा मैं आप लोगों को इस साइट पर अपडेट कर दूंगा, अपने यूट्यूब चैनल पर वो लेटर आप देख लीजिएगा। और किस हिसाब से आप लोगों को पास किया जाएगा, आपको मार्क्स मिलेंगे, जो भी उसकी रूपरेखा होगी वो भी आपको जैसे ही मेरे पास सूचना आएगी आपको मैं अपडेट कर दूंगा। तो अब इस समय ये है कि आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास की तैयारी कीजिए, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, और आने वाले समय में मैं BSc और BEd और DLED का सिलेबस पूरा मेरे इस YouTube चैनल पर आ जाएगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। और जो मेरे लेक्चर सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर ज्वाइन कीजिए। और कम्पिटिटिव नोट्स भी मैं धीरे धीरे इस पर अपडेट करूँगा, आगे कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी तो वृहद रूप से BSc, DLED और BEd इन तीनों के लिए मेरे इस YouTube पर पूरा स्टडी मटेरियल आने वाले समय में आपको मिलेगा। थैंक यू।